नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल दीप्ति आकांक्षा ट्यूटोरियल में। दोस्तों चलिए आज मैं आप लोगों को 32 साइज का वोट इंडिक गला डिजाइन बताऊंगी। बैक साइड का डिजाइन रहेगा, बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बताएंगे। अगर जो बिगनर्स है वो अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप वीडियो को आसानी से देख सकें। और हाँ, वीडियो को फुल वॉच करें, बहुत ही विस्तार से बताएंगे। एक स्टेप अलग अलग से हम समझाएंगे, कितना हम लंबाई लें, कितना हम शोल्डर लें, कितना आर्म होल लें, किस तरह से हम डिजाइन निकालें। आपको अलग से पेपर पे निकालने की जरूरत नहीं है, एक बार हमारी वीडियो देखने के बाद आप आसानी से कपड़ा पे कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे एक न्यूज़पेपर लिए हैं और पेपर को डबल में इस तरह से फोल्ड किए हैं। बंद भाग को हम अपने तरफ रखे हैं, खुला भाग को हम अपने से उल्टा रखे हैं। उसके बाद सबसे पहले अब लेना है हमको लंबाई। देखिए यहाँ पे जो लंबाई रखेंगे, लंबाई 14 इंच लेंगे। फ्रंट के मुताबिक बैक में 1 इंच हम कम लेते हैं, तो अगर हम फ्रंट 15 लेंगे तो बैक 14 लेंगे। तो देखिए 14 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब उसके बाद देखिए, अब हमको लेना है यहाँ पे शोल्डर। देखिए यहाँ पे हम शोल्डर 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे, 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए, यानी टोटल 7 इंच यहाँ पे हम ले लिए हैं शोल्डर को। आर्म होल हम यहाँ पे 6.5 इंच रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमको इस तरह से 1/2 इंच इस तरह से झुकाव देना है आर्म होल की तरफ। उसके बाद देखिए इस तरह से यहाँ पे इंच को रखेंगे और यहाँ पे जो आर्म होल की जो लंबाई है तो 1/2 इंच अंदर की ओर डाउन करते हुए इस निशान को इसमें मिलाएंगे। और उसके बाद अब देखना है यहाँ पे सीधी लाइन खींचनी है इस तरह से। और अब चलिए पहले हम जितना हमारा बॉडी है, पहले हम बॉडी का यहाँ पे नाप ले लेते हैं। तो बॉडी यहाँ पे हम 32 साइज का बता रहे हैं, तो 32 का जो चौथा हिस्सा होगा 8 इंच होगा, यहाँ पर हम 8 पे एक निशान लगाएंगे। उसके बाद देखिए कमर, कमर यहाँ पे 28 होगा, 28 का जो फोर्थ भाग होगा 7 होगा, 7 पे एक निशान लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे टक्स के लिए 1 इंच, इस निशान को यहाँ पर मिलाएंगे और इस निशान को यहाँ पे मिला देंगे। उसके बाद 1.5 इंच यहाँ पे हमको मार्जिन रखना है, इस तरह से हम निशान लगाएंगे 1.5 इंच पर बैक साइड का गोलाई में करते हुए निशान लगा देंगे। और फ्रंट का हम 1 इंच या तो फिर 1.25 इंच लेंगे। गला की जो चौड़ाई हम 3.5 इंच पे रखेंगे और उसके बाद लंबाई भी हमको 3.5 इंच पर रखना है। उसके बाद एक बॉक्स तैयार करना है इस तरह से। बॉक्स तैयार करने के बाद यहाँ पे भी गोलाई में हमको निशान लगाना है। और अब देखिए, अब यहाँ पे अब हमको बनाना है डिजाइन। ये जो हमारा साइड है, पहले इस तरह से हम इंच टेप को रखेंगे और इस तरह से फोल्ड करके जहाँ हमारा बीच आएगा वहाँ पे एक हमको पहले निशान लगा देना है। इस तरह से निशान लगाएंगे और इस निशान को इसमें मिलाएंगे और इस निशान को अब हम मिला देते हैं आराम आराम से। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस निशान को इसमें मिला दिए हैं। और अब यहाँ पे देखिए 2.5 इंच पे यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। उसके बाद फिर हमको 2.5 इंच लेना है। इस तरह से हम देखिए हम निशान लगा लिए हैं और अब देखिए इसमें इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पे मिलाना है। देखिए आप इस तरह से देख सकते हैं, इसमें मिलाएंगे, उसके बाद इसमें इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पे मिलाएंगे, फिर उसके बाद इसमें मिलाते हुए यहाँ पर मिलाएंगे। इस तरह से सारे भी निशान को यहाँ पे इस तरह से मिला देंगे। अब जितना भी हमको नीचे रखना है बैक साइड में, उतना हम छोड़ते हुए निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम 2.5 इंच पे निशान लगा रहे हैं। उसके बाद इधर से अब लेंगे हम 3 इंच, निशान को इस तरह से हम कर लेंगे और अब इसको गोलाई में करते हुए यहाँ पे हमको मिलाना है। अब ध्यान रहे, देखिए यहाँ पे हम 2.5 इंच रखे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम 1.5 इंच लिए हैं
और ऊपर में ढाई ढाई इंच पे इस तरह से हर जगह लिए ढाई ढाई इंच, और 7 इंच लिए हैं शोल्डर की जो चौड़ाई है 3.5 इंच लिए हैं, 3.5 इंच, और यहाँ भी इसकी जो लंबाई है 3.5 इंच रखे हैं, लेंथ है 14 इंच रखे हैं। देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसानी से बताए हैं। ये जो डिजाइन है बहुत ही स्टाइलिश लुक देने वाला है, तो इस डिजाइन को एक बार आप जरूर बनाएं। और अब चलिए इसको हम कटिंग कर देते हैं। अब चलिए यहाँ पे जो हमारा डिजाइन है, अब यहाँ से हम डिजाइन का कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमको कटिंग करना है, देखिए आराम आराम से हमको कटिंग करना है। उसके बाद हर डिजाइन को इसी तरह से निकालना है। इस तरह से कटिंग कर लिए। अब देखिए यहाँ पे ये जो डिजाइन बनाया है, अब इसको हमको कट करना है इस तरह से। देखिए अब इस तरह से कट कर दिए हैं। और अब देखिए यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं, ओपन करेंगे इसको। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हमारा पेपर कटिंग था डिजाइन का, जो फाइनल कंप्लीट हुआ, आप देख सकते हैं इसका जो कटिंग है कितना सुंदर लग रहा है। ये जो हमारा बैक साइड का जो ब्लाउज डिजाइन है, इसका जो कटिंग है बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। अगर आप इस डिजाइन का कटिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों, मिलती हूँ किसी नए वीडियो के साथ में।